के के पुलाव की की। रेसिपीज़ आपके साथ शेयर हमने, तो हमने कर रेडी करना है उसमें चार से पांच टेबल स्पून ऑयल ले लिया हमने ऑयल में डाल देंगे एक पीस बादियान एक छोटा पीस जावित्री एक बड़ी इलायची दो हरी इलायची दो लौंग एक पीस तेज पत्ता और एक पीस दालचीनी साथ में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून शाजीरा फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज तो यहाँ हमने एक बड़ी साइज का प्याज लिया स्लाइस करके प्याज का कलर जब थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो जाएगा इसमें चिकन डालेंगे तो आधा किलो हमने चिकन ले ली यहाँ पर साथ में एक टेबल स्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा एक टी नमक फ्लेम को हाई करके चिकन को हम दो मिनट तक फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फिर इसमें एक टमाटर डाल देंगे मीडियम साइज का स्लाइस करके साथ में डालेंगे चार हरी मिर्चियाँ क्रश करके तो यहाँ पाँच से छः मिनट हमने चिकन को अच्छी तरह फ्राई किया फिर इसमें मसूर डाल देंगे काले मसूर हमने यहाँ पर ले लिए आधा कप तकरीबन सौ ग्राम एक घंटे पहले इन्हें भिगा देना होता है फिर हमने पानी को फेंक दिया और इसे डाल दिया दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हाफ कप के आसपास एक बार ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे कम से कम छः से सात मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने आधा कप दही ली थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह से बीट किया दही को उसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर और एक टी स्पून भरकर ज़ीरा पाउडर मिक्स करके तैयार रखेंगे तो यहाँ हमने पाँच से सात मिनट पकने दिया दही डाल देंगे साथ में हम इसमें डाल देंगे आलू जो ऑप्शनल है तीन आलू हमने डाल दिए मीडियम साइज़ के इस तरह से पीसेस करके बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें मिलाएंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर कम से कम 12 से 15 मिनट पकने देंगे तो यहाँ 15 मिनट तक हमने चिकन को पकाया सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पक गई हैं पानी डाल देंगे तो हम यहाँ 250 ग्राम राइस यूज़ कर रहे हैं पानी हमने यूज़ किया आधा लीटर दो कप भरकर इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया तीन से चार हरी मिर्चियाँ एक टी स्पून मसाला पाउडर हमारा होम पानी हमने इसमें थोड़ा गर्म यूज़ किया है अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे अच्छा साइज में बॉईल आ गया चावल डाल देंगे ये चावल हमने भिगा कर रखे थे थर्टी मिनट्स पहले बासमती चावल इस्तेमाल किए हमने इसमें एक टी स्पून के आसपास नमक भी डालेंगे चावलों का बस ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इसी तरह हाई फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक इसे पकने देंगे चार से पाँच मिनट तक हमने इसे पकने दिया इस पर थोड़ा घी डाल देंगे वैसे ये ऑप्शनल है आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं दो टेबल स्पून भरकर हमने इसमें घी डाल दिया फ्लेम को बिल्कुल लो किया है इसे दम पर रख देंगे कम से कम पंद्रह मिनट बाद में चेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर पंद्रह मिनट हमने पकाया ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और परफेक्ट तरीके से पुलाव बनकर रेडी हो गया है बस थोड़ी देर एक दस से पंद्रह मिनट इसे ऐसे ही कवर करके रखेंगे फिर सर्व करते हैं दोस्तों अक्सर ऐसा होता है हम मेहमानों को घर पर बुला तो लेते हैं लेकिन फिर सोच में पड़ जाते हैं कि पकाएं क्या होता है ना तो चलिए आपका काम आसान किए देते हैं ये देखिए हमने दावत मेनू कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे स्टार्टर्स ग्रेवीज राइस आइटम और डिजर्ट जिसे खाकर आपके मेहमान तो खुश हो जाएंगे और सिर्फ सजेशन ही नहीं साथ में आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी भी मिलेगी तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान और इसकी फीस क्या है इसकी फीस फ्री इसे हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है तो जरूर से हमारे इन फ्री कोर्सेज का पूरा पूरा फायदा उठाइए आज हम बनाएंगे मखाने की खीर एक को हमें घी से थोड़ा सा ग्रीस कभी यान है हम डाल देंगे एक लीटर दूध डाल देंगे हम इसमें फिर इनको हमने हाई रखा है दूध में पहले एक उबाल आने देंगे इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को लो करेंगे और दूध को लो फ्लेम पर पकने देंगे बस बीच बीच में इसे चलाएंगे तब तक हमारी दूसरी तैयारियां करेंगे हम एक टेबल स्पून घी ले लेंगे एक नुस्ते वो अपने हम अच्छे मखाने डाल देंगे हम दो कप भरकर मखाने यूज कर रहे हैं तकरीबन ये सेवन चुेटी ग्राम होंगे फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पर हमें इन्हें कम से कम सात से आठ मिनट तक इसी तरह चलाते हुए रोस्ट करना है मखानों को हमने अच्छी तरह से पाँच से छह मिनट तक टोस्ट किया ये अच्छी तरह टोस्ट हो गए हैं इन्हें निकाल लेंगे उसी कढ़ाई में हम और एक पीसकुम की डाल देंगे ये में हम आठ से दस बादाम और आठ से दस काजू डाल देंगे ये लो करके इन्हें हल्का हल्का सा टोस्ट करेंगे हमें का काजू का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है तब तक टोस्ट करेंगे काट्यू का कलर हल्का हल्का सर गोल्डन गया है प्ले को बंद करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे जो मखाने हमने टोस्ट किए हैं उनमें से हम एक कप अलग कर लेंगे बाकी के मखाने हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने टोस्ट किए हैं वो भी डालेंगे एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे इस तरह से दरदरा पाउडर किया है हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं कर दिया दूध को भी हम थोड़ी थोड़ी देर से चला रहे थे लेकिन हमने इसे घी से ग्रीस कर दिया था सबसे पहले इससे क्या होता नहीं? वो नहीं है आप देख सकते हैं साइड पर भी नहीं चिक रहा है और नीचे भी नहीं हमने जितनी देर ये सारे प्रोसेस किए उतनी देर में वो अच्छा सा पक कर गाढ़ा हो गया है बस ये पॉइंट पर हमें जो मखाने हमने ग्राइंड करके रेडी किए वो डालते हुए पाउडर हमने डाल दिया थोड़े हम साबुत भी डालेंगे थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे फ्लेम लो है लो फ्लेम पर चार से पाँच मिनट हम इसे पकने लेंगे एक पैन को भी हमने गर्म किया छोटे से पैन को इसमें हम दो टेबल पॉ शक्कर डालेंगे ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पाँच टेबल शक्कर डाल सकते हैं लेकिन इससे शक्कर को कैरमलाइज करके डालने से अच्छा सा कलर और अच्छा सा फ्लेवर ये दोनों तो आएंगे हमारी खीर में शक्कर जो है हो रही है हमने रख दिया थोड़ा थोड़ा इस तरह चलाएंगे जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी और इस तरह का कलर आ जाएगा हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम खीर पर कॉ कर लेंगे एक तीन टेबल स्पून शक्कर भी डाल देंगे इसे इस दो से तीन दो से तीन मिनट हमने पका लिया शक्कर जो है मेल्ट हो गई है कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे थोड़ी चिरौंजी थोड़े बादाम और थोड़े पिस्ते स्लाइस कर लिया हमने वन फोर्थ टी स्पून इलायची पाउडर मखाने की खीर में एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है जब ये खीर ठंडी हो जाती है फ्लेम को बंद करने के बाद तो ये और भी गाढ़ी होती है तो ये पॉइंट पर हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है ये परफेक्ट थिकनेस है इसकी इसे ठंडा करके फ्रिज में रखकर कर खाएं। बहुत अच्छी लगती है तो बस यही पॉइंट पर हमने फ्लेम को बंद कर देना है थोड़ी देर इसे ऐसे ही रखेंगे फिर इसे ठंडा करेंगे और बाद में सर्व करेंगे खीर ठंडी हो गई है ठंडी होने के बाद बहुत अच्छी और भी हो गई है आप देख सकते हैं उम्मीद करती हूं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना खास ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज